चैनल पर जिसका नाम है जामनगर। तो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन लेके आए हैं। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो है, ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जामों के अंदर, चाहे वो एसएससी का हो चाहे एचएसएससी का हो, किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और ये हमारा जो एरिया रहेगा, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, प्रत्येक जगह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा। तो इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करते हैं, ये कई बार आ जाता है पेपर के अंदर, जिसका नाम होता है हेलोजन। ये हेलोजन क्या होते हैं बच्चों, इसको समझने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा इस वीडियो को। तो हेलोजन के बारे में आपका अगर मैं बात करता हूं, तो जो हेलोजन वो होते हैं जो धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाते हो, जो धातुओं के साथ क्रिया करके साल्ट बनाते हो, उसको हम हैलोजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मान लो एक धातु सोडियम है, इस सोडियम के साथ अगर मान लो क्लोरीन जो है इसने क्रिया कर ली, तो इससे जो चीज बनेगी वो क्या बनेगा, NaCl। इसका मतलब ये तो धातु हो गई, और क्लोरीन जो हो गया वो एक प्रकार का हैलोजन हो गया, और इससे जो चीज बनी है आपके पास वो NaCl बना है। दिस इज साल्ट, ये लवण होता है बच्चों। अगर हम हेलोजन के बारे में और बातें करते हैं, तो हेलोजन का जो वर्ग है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो वर्ग 17, 17 वर्ग जो होता है वो हेलोजन के बारे में बताता है। और हेलोजन के अंदर कौन कौन से आते हैं एलिमेंट, एक आता फ्लोरीन, एक क्या आता है फ्लोरीन, एक आता है क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन, एक आता आयोडीन, आयोडीन, और आयोडीन के बाद आता है एस्टेटीन, एस्टेटीन। इसका सिंबल अगर आप लोगों से पूछा जाता हो तो At होता है, और एक होता ब्रोमीन। तो ये सारे के सारे आपके पास हेलोजन होते हैं बच्चों, फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन एस्टेटीन ब्रोमीन। ब्रोमीन का जो सिंबल होता है वो Br होता है। आपसे एक पूछा जाता है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, सॉरी धातु नहीं अधातु, तो वो क्या होती है बच्चों, ब्रोमीन। वो क्या होती है, ब्रोमीन होती है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। और जो ये आयोडीन होता है, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये किस अवस्था में पाया जाता है बच्चों, ठोस अवस्था में पाया जाता है। और ये जो हैलोजन होते हैं, ये रंगीन होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, रंगीन होते हैं, और ये दृश्य प्रकाश किरणों को अवशोषित करते हैं। ये दृश्य प्रकाश जो किरणें होती है, विजिबल रे होती है, उसको अवशोषित करते हैं। अगर हम इस दृश्य प्रकाश किरणों के बारे में बात करते हैं, तो दृश्य प्रकाश किरणें जो होती है वो एक प्रकार की अयांत्रिक तरंगे होती है। अयांत्रिक तरंगों को कहते हैं नॉन मैकेनिकल्स वेव, नॉन मैकेनिकल्स वेव होती है दृश्य जो किरणें हैं। अब दृश्य किरणों के बारे में और जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ अयांत्रिक तरंगों के बारे में और पूछा जाए, तो एक्स किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, लघु रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो तरंग, ये सारी की सारी क्या है बच्चों, अयांत्रिक तरंग है, नॉन मैकेनिकल्स वेव है। और दृश्य प्रकाश किरणें भी इन्हीं में से एक होती है। जो सूर्य है, सन से जो रे आती है आपके पास, ये जो रे आती है ये दृश्य प्रकाश किरणें ही होती है। ये 7 कलर से मिलके बनी होती है, VIBGYOR, विबग्योर। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दृश्य प्रकाश किरणों के खोजकर्ता कौन थे, तो इसके खोजकर्ता न्यूटन नाम के व्यक्ति थे। और अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर के अंदर कि दृश्य प्रकाश किरणों की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ को कहते हैं तरंग दैर्घ्य, वो कितनी होती है, तो वो होती है बच्चों 3.9 × 10⁻⁷ मीटर से लेके 7.8 × 10⁻⁷ मीटर। ये वेवलेंथ होती है दृश्य प्रकाश किरणों की, विजिबल रे की। और ये जो तरंग दैर्ध्य होती है आपके पास, ये दूरी को मापने की इकाई होती है एक प्रकार से। तो तरंग दैर्ध्य एक ऐसा यूनिट मीटर भी होती है, और एक इसकी यूनिट एंगस्ट्रम भी होती है। एंगस्ट्रम को हम ऐसे लिखते हैं।
अगर एग्जाम के अंदर आप लोगों से दृश्य प्रकाश किरणों की वेवलेंथ पूछ ली जाए तो एक तो आपका आंसर होगा 3.9 × 10⁻⁷ से 7.8 × 10⁻⁷। और इसको एंगस्ट्रम में अगर लिखोगे आप लोग तो क्या लिखोगे, 3900 से लेके 7800 एंगस्ट्रम। ये किसके बारे में बात है आपके पास, दृश्य प्रकाश किरणों के बारे में। और दृश्य प्रकाश किरणें जो होती है वो एक प्रकार की नॉन मैकेनिकल्स वेव होती है, और नॉन मैकेनिकल्स वेव के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, मैक्सवेल नाम के व्यक्ति, मैक्सवेल नाम के व्यक्ति जो थे वो अयांत्रिक तरंगों के खोजकर्ता थे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हैलोजन के बारे में मैंने आप लोगों को ये चीजें बता दी है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं बच्चों, वो है हाइड्रोजन के बारे में बातें। हाइड्रोजन के बारे में क्या क्या बात आ सकती है आपके एग्जाम के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। मैं लिख सकता हूं यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बारे में पहला पॉइंट तो आप लोगों के एग्जाम में यही बनेगा कि पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व है, एलिमेंट है। और हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं, इसको आवारा तत्व भी कहते हैं हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन का कई बार पूछा जाता है कि सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन। और अगर सबसे हल्की गैस पूछी जाए, सबसे हल्की गैस, तो सबसे हल्की गैस भी क्या होती बच्चों, हाइड्रोजन ही होती है। लेकिन अगर पेपर में पूछ लिया जाए सबसे हल्की एक्रिय गैस, इनर्ट गैस कौन सी होती, तब उसका आंसर होता है हीलियम। हीलियम सबसे हल्की एक्रिय गैस होती है और सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो एक होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो हाइड्रोजन का कितना होता है, एक होता है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर का मतलब देखो, ये पूरा का पूरा एक नाभिक होता है, ये पूरा का पूरा एक क्या है, नाभिक, ठीक है। पूरा का पूरा ये परमाणु था, इस परमाणु के अंदर वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं नाभिक, न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पाई जाती है, इसलिए कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस न्यूक्लियस के खोजकर्ता कौन थे, तो इसका आंसर होता है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड नाम के व्यक्ति जो थे उस न्यूक्लियस के खोजकर्ता थे। और इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जोड़ को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कहते हैं किसको, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जोड़ को, मतलब इन दोनों के जोड़ को क्या कहते हैं हम, सॉरी इसको एटॉमिक मास कहते हैं, ये एटॉमिक मास होता, सॉरी एटॉमिक नंबर तो होता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। और जो अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जोड़ अगर करते हैं तो उसको कहते हैं एटॉमिक मास, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं बच्चों। तो एक प्रकार से अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पूरे के पूरे परमाणु का समस्त भार, भार का मतलब मास, कहां पे केंद्रित होता है, तो उसका आंसर क्या होगा आपके पास, नाभिक के अंदर केंद्रित होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो एटॉमिक नंबर कहलाती है, और नंबर ऑफ एटॉमिक मास क्या होता है, जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जोड़ जो होता है उसको कहते हैं एटॉमिक मास कहते हैं। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि एक ऐसा एलिमेंट बताइए जिसके न्यूट्रॉन की संख्या जीरो होती है, तो वो हाइड्रोजन ही होता है। हाइड्रोजन जो होता है इसका प्रयोग मैंने आप लोगों को बता, एक अगर क्वेश्चन और आ जाए कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व, ब्रह्मांड में यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व, तब आंसर क्या रहेगा, हाइड्रोजन। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भूपर पट्टी का मतलब करस्ट, करस्ट पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व, तब आंसर होता है ऑक्सीजन। और मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व, तो भी आंसर रहेगा आपके पास ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। तो ये एक स्टार्ट किया है क्वेश्चन,
ट्रेडिशनल क्वेश्चन का ये बढ़ता चलेगा हमारे पास। फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक बच्चों दुआओं में याद रखना। थैंक यू।